नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन जिलों के 20 प्रखंडों के करीब 2 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं और यहां हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैलने की संभावना है। शनिवार को कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोले दिए गए हैं और इसके बाद सुबह से रात 12 बजे तक कोसी बराज से 6.17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और ये 56 सालों से दूसरी बार सबसे अधिक है। कोसी बराज पर पहली बार पानी चढ़ गया है और इससे बराज के क्षतिग्रस्त होने की आशंका को लेकर शुक्रवार की शाम 4 बजे से ही बराज पर आवाजाही बंद है और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सुपौल और पश्चिमी चंपारण के इलाके में पड़ा है। अररिया में भी बारिश और बाढ़ के चलते रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। जोगबानी स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गई हैं। इसके बाद ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया है और इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आकाशीय बिजली से बिहार के अलग अलग जिलों में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है।